साल 1833 जो कबीला बनियास के लोग पहली बार जिथे अज डबई है उत्थे जाके वसे सन। उस समय जगह पूरी तरह दे नाल रेगिस्तान सी ते ए आबूधाबी दे कंट्रोल दे विच सी। डबई उस टाइम तक भी मछुआरियां दा एक छोटा जिहा गरीब पिंड सी। 1893 तक कुछ होर लोग भी डबई दे विच आके वसण लगे। उस समय तक डबई दे विच सिर्फ ते सिर्फ इकला मच्छी फड़न दा काम कीता जांदा सी। 1912 दे विच डबई दा राजा शेख शाहिद बिन मकदूम बन गया ते इन्हां नूं ही डबई दा फाउंडर भी कहा जांदा है। उस समय तक डबई दे विच मोती लभण दा काम पूरे जोरां शोरां दे नाल चलदा सी ते डबई दी इकोनमी भी पूरी तरह दे नाल इस दे उपर ही डिपेंड करदी सी। पर इस समय तक भी डबई एक पिंड ही सी, उह कोई शहर नहीं बनिया सी। 1958 दे विच डबई दे राजे शेख राशिद बिन शाहिद मकदूम बन गए। यही वह इंसान सी जिसने डबई नूं एक पिंड तो एक इन्ना ज्यादा डिवेलप शहर बना दिता। उसने सब तो पहला डबई क्रीक जिथे बाहर तो समुद्री जहाज आके रोकते सन उस नूं डूंगा करवाना शुरू कर दिता। यह जगह उस टाइम काफी ज्यादा छोटी सी ते शेख राशिद बिन शाहिद यह गल नूं जानदे सन कि इस जगह के उपर बड़े ते मॉडर्न जहाज आके नहीं रोक सकते। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के उपर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के उपर इन्ने ज्यादा पैसे लगा दिते कि डबई की सालाना आमदन तो भी कितने ज्यादा सन। यह काम करने के लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया ते यह एक बहुत वड्डा रिस्क सी जिहड़ा उन्होंने लिया सी। शेख राशिद नूं पूरा यकीन सी कि उन्होंने यह प्रोजेक्ट के नाल डबई की इकोनमी के उपर बहुत ज्यादा वधिया असर पवेगा ते उन्होंने यह प्लैन वड्डे लैवल ते कामयाब भी हो गया। हुण डबई दे विच वड्डे वड्डे साइज के समुद्री जहाज आके भी रोकण लगे सन जिस दे कारण डबई दे विच सोने का कारोबार भी वधन फुलण लगा। शेख राशिद अक्सर ही यूरोप ते इंग्लैंड जाते रहते सन ते ओह इंग्लैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी ज्यादा प्रभावित सन। उन्होंने लंडन ने काफ़ी ज्यादा प्रभावित किया। उत्थों दी सड़कां ते उत्थों दा अंडरग्राउंड सिस्टम उन्होंने काफ़ी ज्यादा वधिया लगता सी। उन्होंने दिल की यह ख्वाहिश सी कि एक दिन डबई भी इन्ना ज्यादा मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने डबई पिंड नूं हौली हौली एक शहर की शक्ल देनी शुरू कर दिती। साल 1959 दे विच उन्होंने डबई दे विच पहला मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनाया। वो डबई दे विच नवीं नवीं बिजली दे लाइन टेलीफोन सर्विस अते बंदरगाह बना रहे सन। उस समय तक भी डबई दे लोक यही समझ रहे सन कि शेख राशिद अपना पैसा खराब कर रहे हैं, डबई एक इंटरनेशनल ते मॉडर्न शहर नहीं बनेगा। पर साल 1966 दे विच डबई की किस्मत बदल गई जदों डबई दे विचों तेल दे भंडार मिल गए। पर डबई दे विच तेल दे कोई ज्यादा भंडार नहीं सन। शेख राशिद ने अकलमंदी दे नाल इस चीज नूं समझिया कि डबई तेल दे उपर निर्भर होके नहीं चल सकता। उन्होंने उस टाइम अपने लोगों को कहा कि मेरे को एक चंगी खबर है तुहाडे लई ते एक बुरी खबर है। चंगी खबर यह है कि डबई दे विच तेल दे भंडार मिले ने, पर बुरी खबर यह है कि उन्होंने विच बहुत घट तेल है। इसलिए शेख राशिद ने यह तेल की वरतों करके डबई दे विच होर नवे प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिते। उन्होंने दुनिया भर तो वड्डे वड्डे इंजीनियर ते आर्किटेक्ट नूं बुला के डबई नूं डिवेलप करना शुरू कर दिता। जिवें कि सब तो पहला उन्होंने 1979 दे विच डबई दे विच एक उच्ची बिल्डिंग बनाई ते अजिहे होर भी कई प्रोजेक्ट उन्होंने इस दे नाल ही शुरू कर दिते। 1981 दे विच शेख राशिद इस दुनिया नूं अलविदा कह गए ते हुण डबई दे राजे जां कहीए शेख ने शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मकदूम अज जिहड़ा सी डबई इन्ना डिवेलप होया देख रहे हैं उसके पिछे शेख राशिद का ही दिमाग है। इन्होंने डबई दे विच उच्चियां उच्चियां इमारतां बनाउणियां शुरू कर दित्तियां। पर इस काम दे विच एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ रही सी। वह प्रॉब्लम यह सी कि डबई सारे का सारा रेते दे उपर वसिया होया है ते रेते दे उपर इन्नियां उच्चियां उच्चियां ते इन्नियां भारियां बिल्डिंगां नहीं खड़ सकदियां। पर शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मकदूम ने इस प्रॉब्लम का हल भी लभ लिया। उन्होंने देखिया कि डबई दे ज्यादातर पहाड़ वी शेप दे बने हुए ने, इसका मतलब यह है कि इस जगह ते कितना कितने पानी तो जरूर होगा। उन्होंने ड्रैलिंग करवाई तो सचमुच उही जगह तो पानी मिले ते यही पानी के कारण ही डबई उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां बना सकिया। जिथे अज बाकी दे सारे अरब देश इकले तेल दे उपरों ही अपना देश चला रहे ने, उत्थे ही शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मकदूम इस चीज नूं पहलां ही समझ गए सन कि डबई इकले तेल दे उपर निर्भर नहीं रहेगा। अज भी तेल दा डबई दी इकोनमी दे विच सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट है, बाकी 99% अपनी इकोनमी डबई कारोबार दीयां सरगर्मियां नाल चलाउंदा है। शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मकदूम दी दूर सोचनी अते अकलमंदी दे कारण ही डबई अज इक पिंड तो इन्ना डिवेलप इक सिटी बन गया है। उन्होंने डबई दे विच कई अजिहियां चीजां बनाउणियां शुरू कर दित्तियां जिस दे कारण पूरी दुनिया दा ध्यान डबई वल गया, जिवें कि दुनिया दी सब तो उच्ची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया दे सब तो वड्डे मॉलां दे विचों इक मॉल डबई मॉल, आलीशान 7 स्टार होटल ते आर्टिफिशियल आइलैंड, डबई दी इमीरेट्स एयरलाइन दुनिया दी अज सब तो वधिया एयरलाइनां दे विचों इक है। यह सारियां चीजां लोकां नूं डबई वल खिच के लैके आउंदियां ने। डबई दे विच कई फ्री जोन ने जिथे कंपनियां नूं हर किस्म दे टैक्स तो छूट दित्ती जांदी है, जिस दे कारण ही दुनिया दीआं वड्डियां वड्डियां कंपनियां डबई दे फ्री जोन दे विच अपने प्रोजेक्ट लगाउंदियां ने। यह फ्री जोन डबई दी इकोनमी दे विच अपना 20% हिस्सा पाउंदे ने ते इत्थे तकरीबन 1.5 करोड़ लोक काम करदे ने। डबई दे विच अज 80% ओह लोक ने जिहड़े दूजे देशां तों आ के इत्थे वसे होए ने। अज डबई दे विच पता ही नहीं किन्ने लोक मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के वापस अपने पिंडां जां अपने परिवारां नूं भेजदे ने। डबई ने अपने अंदर एक लग्जरी तों लग्जरी हर तरह दी सहूलत बना रखी है जिहड़ी कि दुनिया भर दे अमीरां नूं उन्हां वल खिंचदी है। इस जी डबई दा पूरा इतिहास किवें डबई एक गरीब मुल्क तों इन्ना ज्यादा अमीर एक शहर बन गया, तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना ते साडे YouTube दे चैनल जो टीवी नूं जरूर सबसक्राइब करना। धन्यवाद।